में बड़ा पराक्रम क्या है? बड़े मुश्किल से मिले 22 साल बाद, 20 साल बाद। स्वामी जी 2018 में मिल गए थे मेरे को। हाँ जी बताते। मैं ब्रिगेडियर विक्रम हूँ और मुझे चलो भाई वक्रासन को मुखासन सन 2000 में हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ था। कौन सा जनपद है आपका? मैं वैसे बल्लभगढ़ हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा। और सेना में हूँ तो पूरा देश ही मेरा है। वो तो सबका ही हमारा ऐसा ही। घर में कम रहा हूँ और बाकी सब जगह ज़्यादा रहा हूँ। तो जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो उन दिनों में इतनी ज़्यादा जानकारी इस बीमारी के बारे में नहीं थी और मेरी मदर को किसी ने बताया कि एलोपैथी में तो इलाज था ही नहीं। तो मेरी मदर को किसी ने बताया कि इनको हरिद्वार लेके जाओ कनखल। तो वो मुझे यहाँ लेके आई। और आप पहले तो ये बताओ उस समय जब दुनिया मुझे बहुत कम जानती थी कैसे ढूंढा? ये मुझे भी नहीं मालूम, मेरी मदर को मालूम था। उन्होंने किसी ने बता दिया, किसी ने बताया होगा। वो अभी है नहीं तो मतलब गुजर चुकी हैं। तो वो मुझे लेके आई थी और तब कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या आपके यहाँ भी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा थी उन दिनों में, साधन बहुत कम थे, साधन कम थे। जी जी। तो आपने एक शिवनाग की छाल बताई, वो एक यूनिवर्सिटी में एक ही पेड़ था कहीं, वो पूरा छिला हुआ था। मुझे याद है वो 22 साल पहले की घटना, जब हमने शिवनाग बताया तो जहाँ हरिद्वार में शिवनाग का पेड़ मिला वहीं छाल छील दिया लोगों ने, लोगों ने। तो मैं उसमें काफी ले गया। ये मैं मतलब आज आपने बताया इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद ही। और उसको फिर मेरे फादर ने अच्छा उसका काढ़ा वाड़ा बना बना के मुझे पिलाया। और 3 दिन में ठीक हो जाता जॉन्डिस उससे। सबसे पहले हेपेटाइटिस की रोगी एक डॉक्टर भारती रामकृष्ण मिशन में थी, उसको मतलब पानी भी पियो तो उल्टी हो, तो वो भाई तो खुद एलोपैथी की डॉक्टर और सारे उसके मित्र डॉक्टर, बोला हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनको भी किसी ने बताया कि हाँ ये कोई, उस समय हमारी प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं थी, ये तो उससे भी पुरानी बता रहा हूँ, जो विक्रम जी बता रहे हो उससे भी पुरानी, 25 साल पहले। बोले कनखल में कोई एक आचार्य और एक सन्यासी रहते हैं, वो इलाज करते हैं, जरा वहाँ जाओ। उसको भी हमने यही शिवनाग पिलाया, भूमियावला पुनर्नवा पिलाया, 3 दिन में ठीक कर दिया डॉक्टर ने, अभी भी जिंदा है वो। तो मेरा आर्मी में हर साल मेडिकल होता है तो उसमें डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट होता रहा। फिर तीसरे साल में जब मेडिकल हुआ तो उसमें ये दोबारा नेगेटिव आ गया। और अब तक नेगेटिव है, अब तक नेगेटिव है, हर साल लोग होता कहते हैं एक बार तो बाबा जी बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे, कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हेपेटाइटिस हो, पहले तो ये कहते हैं कि होता ही नहीं, फिर जब हो जाए तो कहते हैं एक बार तो ठीक कर दिया, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अभी लो ये नहीं, आज तक बिल्कुल SGOT PT बिल्कुल नॉर्मल, कोई किसी प्रकार LFT एकदम नॉर्मल आता है मेरा, और HBS AG भी बिल्कुल नॉर्मल नेगेटिव। तो आपके तो योग में फिर श्रद्धा पूरी हो गई होगी आयुर्वेद में। यस बाबा जी। और दूसरा झटका, अभी बहुत फिटनेस में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, बहुत सारे गेम्स भी खेलता हूँ, मतलब दिन में मेरा 1.5-2 घंटे शारीरिक व्यायाम में निकलते ही निकलते हैं। तो अभी भी आप बहुत फिट दिखते हो, उम्र कितनी आपकी? मेरी 56 साल उम्र है बाबा, एकदम फिट है। और वो साइकिलिंग वाला सुन के तो मुझे हैरानी हुई बाबा। मैं हर सैटरडे संडे को जब से चेन्नई गया था, हर सैटरडे संडे को 100 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, 56 बार चला चुका हूँ अभी तक। 100 किलोमीटर और अगेंस्ट टाइम, मतलब अपने टाइम को ही चैलेंज करता रहता हूँ। जब पहला 100 किया था तो 5 घंटे 18 मिनट में किया था, और अब तक तकरीबन 3 घंटे 30 मिनट या 3 घंटे 18 मिनट में बेस्ट किया मैंने अभी तक अपना। अपने आप को अपने रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ते रहते हैं। हमारा बहुत अच्छे ग्रुप है साइकिलिंग के, चेन्नई में भी थे और दिल्ली में भी हैं, तो ग्रुप के चलते बहुत अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट हैं, उसमें एक बहुत अच्छा माहौल है स्वास्थ्य के प्रति, अच्छा रहता है ना, तो उससे प्रेरणा मिलती रहती है और चलते रहते। फिर जब ये कोरोना हुआ 2020 में फर्स्ट वेव में, तब भी अचानक मैं जयपुर गया था, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे छोटी, उसने मुझे कोरोनिल किट गिफ्ट कर दी। मैंने कहा इसने पता नहीं क्यों दी है, तो मैं और मुझे जानकारी भी नहीं थी, पर उसने गिफ्ट करी और मैं टीवी पे देखता था, तो मैंने वो वैसे ही ले ली प्रिकॉशनरी। और मैं कहीं से ट्रैवल करके आया था, कुछ ज़्यादा सिम्टम थे नहीं, लूज मोशन हुए थे, अगले दिन थोड़ा सा बुखार और बस, उसके बाद मेरी फिटनेस पर कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं ये खा ही रहा था पहले से, तो उसके बाद मुझे क्वारंटाइन में कर दिया गया घर पे ही, और अपना वो अणु तेल डालते रहे और वो तेल डालते रहा, टेबलेट खाते रहा, और
क्वारंटाइन पीरियड में भी मास्क लगा के अकेले पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलता था। जब घर में नहीं बैठे, लोग डर गए थे। और 14वां दिन जब ख़त्म हुआ तो मैंने सुबह 8:30 बजे साइकिल उठाई और शाम को 8-8:30 बजे तक टोटल 12 घंटे लगे, लेकिन एक्चुअल साइकिलिंग 10 घंटे 5 मिनट में 260 किलोमीटर मैंने साइकिल। ये जोरदार सुना भाई पहली बार है। और कोरोना के बाद लोग कहते हैं कोरोना में कमजोरी आ जाती है। कोरोना के 14वें दिन जिस दिन क्वारंटाइन खत्म हुआ, जी जी, जिस दिन मैं बाहर जा सकता था उसी दिन, और उस दिन मेरी रेजिमेंट का रेजिंग डे भी था, वो भी मेरे लिए प्रेरणा थी ये 260 करने की, क्योंकि 260वां रेजिंग डे था उस दिन। ये लो ओम बाबा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा विक्रम भाई जैसा पराक्रम होना तो फिर ये इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी। ओम स्वामी जी। ओम बेटा, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, पूरे परिवार वाले आपके बहुत बड़े भक्त हैं। हम रोज़ योगा करते हैं। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं क्रिकेट मेरा प्रोफेशन है, मैं मेरा प्रोफेशन क्रिकेट ही है। मैं जयपुर अकेडमी में प्रैक्टिस करता था। पहले मेरे डेंगू हुआ, डेंगू के 15-20 दिन बाद ही मुझे पीलिया के लक्षण आने लग गए। डेंगू ने पछिया थे, पीलिया के लक्षण आने लग गए, और उस पीलिया धीरे धीरे 6 से फिर बढ़ते बढ़ते 20 तक चला गया ब्लूप्रिंट। ओहो, और लिवर भी 800 तक चला गया था। और धीरे धीरे मैंने लिवोग्रेट, लिवामिड सब ली, और उससे हम घर पे यज्ञ भी करते थे, यज्ञ से भी बहुत फ़ायदा हुआ, और उससे धीरे धीरे करके बहुत नीचे आ गया। अब मेरा ब्लूप्रिंट सिर्फ 4.25 ही रह गया, और वो अब कल टेस्ट कराएंगे उससे और भी नीचे मिलेगा। अब तो अब एक से नीचे आ जाएगा, तेरा चिंता मत कर। अभी तो तेरी आँखें दिख रही हैं, तेरा फेस दिख रहा है, तो नॉर्मल आ गया तेरा। और ये 800 SGOT SGPT अब कितना आ गया? अब तो बहुत कम आ गया, अब 60-70 ही रह गए। हाँ, अभी वापस 40 पर आ जाएगा। चल आगे अपने पिताजी को देना। खड़ी होना कावेरी, इसको भी डॉक्टर ने ऐसे ही बता दिया था कि इसको भी बच्चे नहीं होंगे। ये तो एविडेंस के साथ आई है, बच्चे साथ आए ना तेरे तो। इसके तो बच्चे भी साथ आए, इसके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मयूर आके कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव आपके चरणों में। मेरे कुछ 17 साल बाद बच्ची हुई। बच्चा सो ही रहा है पीछे। 17 साल बाद हुई है। पीछे या जिस कुंड के पास सो रहा है? कितने साल बाद? 17 साल बाद। 17 साल बाद कितनी आदमी को निराशा आ जाती है। 17 साल तक तो सारे उलाने सुनने होंगे, घरों के, परिवार के, पड़ोसियों के, मित्रों के, पता नहीं इसमें क्या है, इसको क्या है। एलोपैथी की सब ट्रीटमेंट की, मुंबई पुणे तक गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। बच्चेदानी और ही खराब हो गई, फिर और दवाइयां खा खा करके और डैमेज कर लिया। फिर बाद में मैंने प्राणायाम किया, आपको टीवी पे सुना 4 साल पहले, और 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम किया। ये मैं जरूर बोलता हूँ, मेरे मुंह से यही निकलता है, PCOD है, 1-1 घंटा करो बेटा। 1 से 2 महीने में 100% PCOD ठीक। आपको यूट्रस में फाइब्रस है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओवम नहीं बनता, पुरुषों को स्पर्म नहीं बनता है। अरे कर लो मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? और पुत्र जीवक और शिवलिंग, शिवलिंग भी यही लिया सिर्फ। और बच्चा ठहरने के बाद 3 महीने बाद मेरे को खाना ही नहीं गया, खाना ही नहीं गया। लिक्विड पे थी। डॉक्टर बोले अब क्या होगा। मैं बोली अनुलोम विलोम करूंगी, बाबा बोले है। सिर्फ अनुलोम विलोम किया, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, अच्छी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 3 महीने के बाद खाना सीखी, शरीर में ऐसे अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। पूरी हेल्दी है बच्ची मेरी। राधा रानी नाम रखा, राधा रानी नाम रखा उसका। लोग बोलते हैं बाबा जी की कृपा से हुआ, पतंजलि नाम रखना चाहिए था। कोई बात, मेरे पति को बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो ही सॉल्व हो गए उनके। क्या क्या था इसका? अनुलोम विलोम, कपालभाति करो सब। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमारा जीवन सुधार दिया है। मुझे एलर्जिक रेनिटिस था, मैं थोड़ा भी धूल में काम करता था तो स्टेरॉइड का स्प्रे लेना पड़ता था, तब नींद आती थी। पिछले 4 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो पूरे कोरोना काल में छींक भी नहीं आई है। सर्दी तो दूर की बात है, छींक भी नहीं आई। जो पहले राइनाइटिस रहता था, एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और लंग फाइब्रोसिस, स्टेरॉइड ले रहे थे, उनका स्टेरॉइड छूट गया।
अभी एक दो और बुला रखे मैंने स्टेरॉइड लेने वाले। 84 किलो वजन था स्वामी जी, 84 किलो वजन था, आज 57 किलो है, 57 किलो कम हुआ है सिर्फ घर पे आपके एकलव्य साधक बन के। 24 किलो तो वजन घर के घर ही कम करके आया। और पिछले एक साल से स्वामी जी रोज आधा से पौना घंटा सुबह घर में होम हवन होता है, रोज होम भी करने लग गए। बच्ची को हेरिडिटरी अस्थमा आया था, बाल दमा बोलते है उसको, तो डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर बोले ये 5 साल जाएगा नहीं। बच्ची अभी 3 साल की है, पिछले 1 साल से हम हवन में आपके बताए हुए दवा डाल के उसको धोनी देते है, तो पिछले 1 साल से उसको सर्दी भी नहीं हुई। सर्दी नहीं हुई, लोग डॉक्टर बोला है तो श्वास रिकॉर्ड डालते हैं, हेरिडिटरी इसको बचपन से ही है ये। हवन में श्वास रिकॉर्ड डालते हैं और मुलेठी पे घी डाल के उसको धोनी देते हैं। मुलेठी और श्वासारी तो बताया उसी को कर लिया, अभी तो हमने कफेष्टी औषधि बना दी है, अभी कफेष्टी डालते हैं, पहले वो डालते दिवे पे भी डालते थे। तो जो हमने कहा जो औषधियां खिलाते हैं उसी को हवन में डालो, ये मैंने एक सिंपल फार्मूला बता दिया था। अब हवन कितने लोग करने लग गए अपने घरों में कभी कभी या रोज, जरा हाथ उठाना, हवन करने वाले भी हाथ हिलाइयो जरा, कम से कम 40-50 के तो हाथ हिल ही रहे, शुरुआत तो हो गई, जरा एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब सबको जा करके ये जो मैं हवन कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं, मुझे कोई देवी देवता प्रसन्न करने हैं ये आरोग्य के लिए हवन कर रहा हूं ना, मुझे कोई देवी देवता प्रसन्न करने ना कोई मन्नत मांगनी, क्योंकि मुझसे सारे देवी देवता प्रसन्न हैं, क्योंकि मैं उन सारे देवी देवताओं की के अनुकूल आचरण करता हूं, मुझसे भगवान भी प्रसन्न है। लेकिन ये यज्ञ करता हूं, ये यज्ञ ये सबके आरोग्य के लिए आरोग्य यज्ञ है। चलो बेटा आपके माध्यम से मैं यही सबको आह्वान करना चाहता हूँ, आग बंद करके सिर्फ स्वामी जी पे भरोसा करो, जो वो बोलेंगे वो करो, आपको 100% लाभ होगा। धन्यवाद स्वामी, बहुत आशीर्वाद। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बुलढाणा से। बुलढाणा से? हाँ, महाराष्ट्र से खूब भाई बहन आए हुए जी। हम 10 लेडीज आई हुए जी, हमारे योगा टीचर भी हमारे साथ है। मेरी बड़ी लड़की 12 साल की हुई, मैंने बहुत एलोपैथी दवाई ली लेकिन दूसरा कोई बच्चा हुआ नहीं, सब जोर में मेरे को कोई रिजल्ट आया नहीं। मैंने 6 महीने से योगा किया, 6 महीने ही हुए, दवाई सब बंद कर दी। दूसरी लड़की हुई, मेरी दूसरी लड़की 15 साल की है अभी। अच्छा? हाँ। हेलो, दवाई कोई नहीं ली, सब दवाई बंद करने के बाद में योगा किया सिर्फ 6 महीने में रिजल्ट आ गया। हेलो, अब लोग इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, डॉक्टरों के धक्के खाते हैं, कुछ ढोंगी पाखंडियों के तांत्रिकों के धक्के खाते हैं, ये अपना योग किया तो बाबा जी हमारी योगा टीचर है, उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। कौन आपकी योगा टीचर? स्वामी जी ओम। क्या नाम बेटा? आम्ही बुलढाण्यावरून माझ्या योगा क्लासच्या 10 लेडीज घेऊन इथे ट्रीप घेऊन आली आहे, आणि तुम्ही 2014 मध्ये बुलढाण्याला येऊन गेला होता आणि तुम्ही सांगितलं 2 दिवसापूर्वी की चारी धाम करायचे जर असेल तर शरीराची साथ ही खूप महत्वाची असते, म्हणून पहिलं धाम बुलढाणा से पूरे ग्रुप के साथ आई है। बहुत बड़ा शिविर किया था मैंने बुलढाणा में, हमारे जो एक बहुत बड़ा तीर्थ है बाबा जी का नाम। आमची सगळ्यांची खूप इच्छा आहे की तुमच्या सोबत एक फोटो काढायला आम्हाला सगळ्यांना। अभी इंडिया टीव्ही के कार्यक्रम में चलेंगे ना, वहां जाना, सबका करवा देंगे। आम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद द्या स्वामी जी, सगळ्यांना माझा खूप खूप आशीर्वाद। आमचं खूप स्वप्न होतं की सगळ्यांना तुम्हाला प्रत्यक्षात भेटायचंय आणि तुमच्या सोबत फोटो काढायचा। हरिओम हरिओम हरिओम। ये पूरा ग्रुप आया हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। सारे महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल से, कहां अलग अलग प्रांतों से। क्या नाम है? ओम बाबा जी, मेरा नाम मयूरा है, मयूरा उपरारिया। कहाँ से हो? मैं होशंगाबाद से आई हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। 20 साल से सर आपको फॉलो कर रही हूँ मैं। मम्मी मेरी बहुत बड़ी, आपकी बहुत बड़ी फैन है वो, विमला अनोतिया जी, और उन्होंने ही मुझे आपसे परिचय करवाया शुरुआत में। 5 साल हो गए थे मैरिज को और बच्चे नहीं थे मुझे। 5 साल हो गए थे, और उस दौरान जब शादी के 1 साल तक बच्चे ना हो, 2 साल तक, तो फिर चारों तरफ
तक डॉक्टरों के, हकीमों के, और न जाने फिर इधर उधर कुछ अंधविश्वास में धक्के खाते फिरते बहुत सर। मतलब ये था, 2-3 साल तक हम लोगों ने इतना ज्यादा जो भी जहाँ भी पहुंचा रहा था हम वहाँ पहुंच रहे थे। सैफाली जैन मैडम है हमारे यहाँ पे, वो पतंजलि चिकित्सालय में है, उन्होंने मतलब साफ मना कर दिया था, मुझे टीवी की दवाएं दे रहे थे। अच्छा, वो कोई एलोपैथी की जी, और बोले आपकी बच्चेदानी इतनी वीक है कि वो होगा ही नहीं। अच्छा, बच्चेदानी इतनी कमजोर है कि आप माँ नहीं बन सकती, कंसीव ही नहीं होगा प्रेगनेंसी, यदि हो भी गया तो ड्रॉप हो जाएगा बच्चा, वो मिसकैरेज हो जाएगा जी, मिसकैरेज हो जाएगा। फिर मम्मी ने एक दिन फोन किया कि 2:30 बजे या 3 बजे करीब, अब 20 साल पहले आपका उस समय आता था वो योगा, तो उन्होंने कहा टीवी चालू कर, रामदेव बाबा जी का आ रहा है योगा और वो उसमें यही बता रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो बस हमने उस दिन देखा बाबा जी कि पुत्र जीवक की गिरी और शिवलिंगी के बीज आपने कहे थे, उस दिन से सारी दवाएं बंद करी हमने और दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग योगा करते थे और वो दवाएं खाई हमने। 1 महीने में मुझे प्रेगनेंसी हो गई, 1 महीने में प्रेगनेंसी हो गई। आपकी दुआ से अब बच्चा मेरा 16 साल का है, 16 साल का बेटा है जी, IIT बुरहानपुर में काव्य उपरारिया नाम अब IIT में पढ़ रहा है, वो भी IIT को के एग्जाम आदि क्लियर करना, माने बच्चा तो पैदा हुआ ही बलवान और बुद्धिमान बालक पैदा हुआ, ये बड़ी बात है, प्रज्ञावान जी, और एक और छोटा बेटा है 8 साल का, राम ग्रंथ एक एक नहीं दो दो मिले जी, दो बच्चे हैं और हष्ट पुष्ट बहुत स्वस्थ स्वस्थ हैं क्योंकि योग करते हैं और माँ ने ये बोध दिया, इसलिए सब माँ की बात माना करो जी। मैं भी धरती पर माँ को भगवान का मूर्त रूप मानता हूँ, आप भी माना करो माँ का जो स्वरूप होता है ना, माँ एक शरीर नहीं है, माँ एक उस परात पर ब्रह्म की चेतना की मूर्त अभिव्यक्ति है, तो माँ भी खुश है बेटी भी खुश है। एक और बात बोलूंगी सर, मैं उसके बाद गई थी मैडम के पास जब मेरा बेटा हो गया, खाली मैडम के पास, हाँ मैं वहाँ पे उनसे अपॉइंटमेंट लेके और फिर गई और टेबल पे उनके बिठाया बच्चे को, तो वो बड़ी खुश हुई कि मेरे ट्रीटमेंट से, मैंने कहा नहीं ये रामदेव बाबा जी के ट्रीटमेंट से हुआ है, उसने सोचा मेरे ट्रीटमेंट से, उनके आशीर्वाद से, सिर्फ मैं उन्हें बताने के लिए गई थी दोबारा कि देखो तुमने कहा था नहीं होता, देखो ये मैंने यही कहा कि आपके पास हम लोग इतनी उम्मीद लेके आते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, आपने हम बिल्कुल निराश कर दिया था, बिल्कुल निराश हो गए थे कि नहीं कुछ शायद नहीं होगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज 2 बच्चे हैं मेरे और बहुत अच्छे। ये शिवलिंगी पुत्र जीवक जितने भी अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है सब जगह मिलता है, और अब तो शिवलिंगी पुत्र, पहले तो शिवलिंगी को अच्छे से साफ करो कूटो, फिर पुत्र जीवक के अंदर से गिरी निकालो, ये सब करना पड़ता था, अब तो हमने नारी सुधा करके आपको शिरप भी दे रखा और गोलियां दे रखी है ना, संतति सुधा, संतति सुधा में शिवलिंगी पुत्र जीवक शतावर और कोंच के बीच ये हमने एनिमल ट्रायल किया, उसकी ओवरी को पूरी तरह से डैमेज करके ओवम बनाने की कंडीशन को एक तरह इनफर्टिलिटी करके बाद में दवाई दिए संतति सुधा, और 15 दिन के अंदर ही जो डैमेज ओवरी है और बाकी सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिकवर हो गया 15 दिन में, आदमी का 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, कर तो ये तो मयूरा की। अभी बाबा जी ओवरी में सिस्ट बताई थी डॉक्टर ने, तो मम्मी वही उन्होंने तो कह दिया था कि रिमूव करनी है, लेकिन माता जी मुझे यहाँ लेके आई, बोले नहीं वहाँ चलो आप वहीं ठीक होंगे, तो रिमूव नहीं करवाई है, मैं यहाँ आई हूँ बाबा जी। अभी एक घंटा करना जी। चलो बेटा बैठो मयूरा, प्रणाम माँ, कुछ कहना चाह रही। ओम महाराज प्रणाम माँ, धन्यवाद, मेरी बेटी का परिवार आज खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। माँ के शब्द मुंह से बस केवल धन्यवाद निकल रहा है कि बाबा जी सारी खुशियां दे दी योग ने हमें, और क्या कहना है, आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। ओम बहन। स्वामी जी आपके मार्गदर्शन से और योगा से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई, 13 साल तक हम संतान के बिना थे, तो 10 साल तक मैंने काफ़ी इलाज करवाए अमेरिका में ही,
अमेरिका में कहते हैं सबसे अच्छा इलाज होता है, वहीं करवाया। इसने क्या सुकृता क्या नाम बेटा? सुकृता। सुकृता दीवान। हाँ जी, तो वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा, वे कैरी तो कर लेती थी बेबी, बट वो मिस कैरेज हो जाता, मिस कैरेज बार बार हो जाता था, और कोई कमी नहीं, कोई कमी इतना घर परिवार सब खुशियों से भरा हुआ। एक खड़ा हो, इसका पति भी बहुत एकदम पहलवान है, जैसे कोई WWE करने वाला। इधर इतना ठाड़ा तगड़ा परिवार, फिर भी घर में खुशियां नहीं थी। हाँ। तो कहाँ मिले थे मेरे से बेटा? 2015 में हम पतंजलि में आए थे, योग शिविर आपका अटेंड किया था जी। तो आपने कहा था कुछ मत करो, 3 महीने सिर्फ प्राणायाम करो। 3 महीने खुद प्राणायाम में लगे रहो, तपस्या करो। मैं बोलता हूँ यहाँ बहुत बच्चे आते हैं इनफर्टिलिटी वाले, मैं कहता हूँ देखो तपस्या करो, सुबह दोपहर शाम प्राणायाम करो, दबा करके, ये हो गया वो हो गया, टेस्टिंग के नाम पर डरा रखा है लोगों को, ये हो गया वो हो गया, ये बढ़ गया ये घट गया, ये घट गया बढ़ गया, सब 1 घंटा कपाल भाती और 1 घंटा अनुलोम विलोम हम सुबह करते थे और शाम को भी। 3 महीने तक हमने किया और उसके बाद परिणाम आपके सामने, परिणाम सामने। इस बच्चे का नाम कृष्णा है जो एविडेंस के साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद स्वामी जी मुझे एक्यूट डिप्रेशन था। हाँ, एक्यूट डिप्रेशन था, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने टैबलेट लगवाई थी, तो मैंने वो थोड़े दिन ही खाई और मेरे पति देव ने मेरा बड़ा साथ दिया और कहते स्वामी जी को फॉलो करो। और इसके स्वामी ने इसका साथ दिया कि एक और भी स्वामी है जी, उसको फॉलो कर। तो मैंने वो बस प्राणायाम करना शुरू किया और मेरा आज मैं बिल्कुल डिप्रेशन से फ्री हूँ, मेरे कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई कुछ। हाँ, पूरा डिप्रेशन भी भगा लिया। और 3 साल से डिप्रेशन लगातार था, मैं रोती रहती थी और ना खाना बनाना, बच्चे को भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं, ऐसे हो गया था। चलो अब ऊपर आओ तुम भी। बाबा जी, मेरा 3 महीने पहले ITP डायग्नोस हुआ है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा। ये क्या है ITP? अपने आप प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिसका कोई कॉजिटिव फैक्टर नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? भूमिका गिरधर। भूमिका, कहाँ से आई हो? दिल्ली से आई हूँ बाबा जी। दिल्ली से, अब क्या हाल है? बाबा जी 3 महीने से बहुत स्टेट अच्छा नहीं था, 7,000 पे प्लेटलेट्स चले जाते हैं हर महीने। ओह। और कोई कॉजिटिव फैक्टर नहीं पता, कोई डेंगू नहीं है, मलेरिया टाइफाइड कुछ नहीं है, सब टेस्ट नेगेटिव हैं। तो 1.5 महीना स्टेरॉइड्स पे डाला। देखो अब ये एक बड़ी विचित्र कहानी है, प्लेटलेट कम हो जाए स्टेरॉइड दे दो, लंग फाइब्रोसिस आए स्टेरॉइड दे दो, अर्थराइटिस हो जाए स्टेरॉइड दे दो, एक मजाक बना रखा है हर चीज में स्टीराइड। अब स्टीराइड कतई मत खाना भूमिका, और जो फ्रेश एलोवेरा का जूस, वीट ग्रास, गिलोय, तुलसी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, अनार और पपीते के पत्तों का रस, और कभी इधर उधर बाहर जाना पड़े तो डेंगू नील खा लेना, वो डेंगू नील जो है ना प्लेटलेट बढ़ाने वाली और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई है, कभी बाहर इधर उधर हो तो रोज खाओ इसको। और ये फ्रेश लेते रहना और मिट्टी पट्टी रोज रखना या सारे प्रोसीजर्स करवा लेना। आपको इन्हीं चीज़ों की, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इन्हीं की बस्ती भी लेनी है। ये सब सुन लो, जिन औषधियों को खिलाते हैं उसी का एनिमा देते हैं, ये भूमिका के लिए भी और सबके लिए। ये प्लेटलेट वाला, प्लेटलेट के लिए भी एनिमा भी लेना है। तो आपकी 2 तरह की औषधि होगी, खाने के लिए भी और वही एनिमा में भी। एनिमा में उसकी मात्रा जो है 100 ml के आसपास होगी, सारी चीज़ों की मिला के उसको होल्ड करना मूल बंद लगा के, और आपका मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल मत घबरा, समझ गई? हाँ। नहीं तो ये प्लेटलेट भी जानलेवा हो जाता है, जब ज़्यादा कम हो जाता है आदमी को मार देता है। बाबा जी मैं खुद साइंटिफिक एविडेंसेस ऑफ आयुर्वेदा इस पर रिसर्च काम कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ। क्या क्या तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अच्छा, खुद डॉक्यूमेंट्री बनाती है आयुष मंत्रालय के लिए, ठीक है। अब तो अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। चलो भाई, भूमिका के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं हम सब की, जल्दी अच्छी हो जाओगी आप, है ना? पूरी ये जो बस्ती बताई है, फ्रेश बस्ती और फ्रेश मेडिसिन लेना, मिट्टी पट्टी करना। मिट्टी पट्टी करने से अंदर का पाचन तंत्र, जो अभी मैं सुबह से बोल रहा हूँ ना, अंदर तुम्हारा आंतें लीवर कमजोर है,
इसकी वजह से, अब ये किसी मशीन में तो आता नहीं है, इसकी वजह से प्लेटलेट कम है, भीतर की अशुद्धि है, टॉक्सिन्स पड़े हुए बॉडी में जो दिखते नहीं है वो दूर हो जाएंगे, भीतर का सिस्टम ठीक हो जाएगा। जो सुबह से शब्द बोल रहा था ना, वो एक तरह से तुम्हारे लिए ही बोल रहा था ये समझ लो, हा? वो ठीक हो जाएगा तो भूमिका ठीक हो जाएगी। ऐसे